हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सिर्फ नाश्ता, ज़्यादा कुछ ऐसा प्लान है नहीं। पूरे दिन भर थोड़ा काम करूँगी ऑफिस का, उसके बाद पैकिंग वैकिंग करूँगी और फिर यहाँ से निकलूँगी देहरादून के लिए। मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। मुझे डांट भी रही है कि तूने परसों एक तो पराठों की वीडियो बनाई थी। मैंने बोला कि रेगुलर होना चाहिए, इसीलिए आपके व्यूज लाइक और सब्सक्राइबर्स बढ़े। क्यों लोगों ने पराठे तो नहीं है? हाँ, ज़्यादातर लोग पराठे ही खाते हैं। ये है मिक्स पराठे आलू और पनीर के पराठे, चाय एंड मलाई। आई लव मलाई पराठों के साथ, इसलिए मैं मोस्टली मलाई खाती हूँ यहाँ पे, वरना मैं मलाई खाती नहीं हूँ इन जनरल। कोई भिखारी आया हमारे घर में, भिखारी है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए। हमेशा ही अच्छे पहनती हूँ। चल, लेकर आई है मेरी कज़न। शाहरुख हमारे बीच में है। हाय शाहरुख। हाय। एक्चुअली इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी। हो रहा है खुशी के मारे। वाह विधि, तू वो लग रही है। हम सिमी की शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, हमें बस कपड़े पहनने की जरूरत है, हमारा मेकअप भी ऑन करना है। मम्मी के घर आके कितने अलग अलग पकवान बनते हैं ना। हाँ बनते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए, और अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया जा रहा है। एक रोटी और सब्जी बना रही हूँ। मम्मी ने सीताफल की सब्जी बनाई है और एक कुछ और हरी सब्जी है, पता नहीं क्या। तो बस मैं खा के निकल रही हूँ। मुझे जिनके साथ जाना है, पायल भाभी है, वो देहरादून में ही रहती हैं। आपने होली में देखा होगा उनको, मेरे ब्लॉग में थी, तो उनके साथ मैं निकल रही हूँ। तो वो निकल चुकी हैं ऑलरेडी और मैं लेट हो रही हूँ, तो फटाफट से खा के निकलते हैं। ठीक है, अभी हम रुके हैं वीरजी ढाबा। अभी हमारी बस रुकी हुई है और अभी हम खा रहे हैं भेल मुड़ी, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। वीडियो में शायद डेफिनेटली ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बस बहुत तेज चल रही है, बट ये भैया बस ऐसे चला रहे थे ना जैसे कि ये पायलट है और इनको बस वो सीट दे दी गई है कि भैया आप चलाओ। जो पौड़ी की तरफ गया है, जो हिमगिरी बस में बैठा हुआ, उसे पता होगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये बस वाले भैया एग्जैक्टली वैसे ही चला रहे थे, इनको कोई डर नहीं था आगे क्या है क्या नहीं है, और बस हम चले ही जा रहे थे। हाय गाइस, तो वेलकम बैक अगेन। और मैं पहुंच गई थी देहरादून रात को ही, आई थिंक 6 बजे, नॉट 6 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इवन अभी भी आई एम नॉट वेल, मेरी आवाज़ से शायद आपको पता चल रहा होगा। सो आई थॉट टू गिव यू जस्ट एन अपडेट रिगार्डिंग द सूट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम आचो, आई हैव इट विद मी। तो मैंने ये ऑर्डर किया था आचो की ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये मुझे समथिंग अराउंड 2500 समथिंग का पड़ा था। मैं स्क्रीन पे एग्जैक्ट अमाउंट डालूंगी। इसका ओरिजिनल अमाउंट आई गेस MRP पे वॉज समथिंग अराउंड 3000 एंड दे हैड द डिस्काउंट गोइंग ऑन ऑफ 2700, जिसमें लास्ट वो 2700 का था। एंड देन इफ यू प्री पेड द ऑर्डर देन आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलता है। आई ऑर्डर दिस ऑन 26th of January और ये मुझे रिसीव हुआ है 1.5 महीने बाद, इवन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया था। आई चेज देम मल्टीपल टाइम्स और मुझे लगा था शायद ये स्कैम हो चुका है या क्या, बट लकीली इट्स रीच्ड आउट टू मी। क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, कॉटन है, जो घेर है सूट का वो बहुत अमेजिंग है। और आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहो आप ले सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि आप इतना वेट कर सकते हो एक पार्सल को अपने लिए डिलीवर होने के लिए, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। एंड आई कंटिन्यूसली चेज देम वाया मेल्स, वाया इंस्टाग्राम स्पेशली, बिकॉज व्हाट्सएप पे वो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे थे। तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया था, उसके बाद मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। मैं एग्जैक्ट डेट भी
मेंशन कर दूंगी सारे अमाउंट्स, एवरीथिंग आई विल मेंशन ऑन द वीडियो। और मैंने रिसेंटली मेसिक ब्यूटी का ऑर्डर किया है, परफ्यूम्स का। आई हैड एन आई ऑन देम सिंस अ लॉन्ग टाइम और ये मुझे सेल पे मिला है 1020 का, सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट डील। तो मैंने ये ऑलवेज ऑन मी का ट्रायो अपने लिए परचेज किया है। इट हैज़ बूजी, इट हैज़ ज़ैडी एंड सेंटोरिनी। तो अभी क्योंकि मुझे जुकाम है और मुझे कुछ फ्रेग्रेंस पता नहीं चल रही एग्जैक्टली, सो आई विल लेट यू नो सून कि ये कैसे हैं और इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। बट इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, इट लुक्स क्लासी और इवन दी आउटर पैकेजिंग इज़ रियली नाइस। आई विल कीप दिस, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस डील क्योंकि जनरली इतने सस्ते में मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि मेसी ब्यूटी की वेबसाइट पर इतने कम रेट्स पर ये आए। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। एंड ऑल्सो ये मुझे 2 से 3 दिन में रिसीव हो गए थे, इट डिडंट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड बेसिकली मेरे लिए क्या होता है ना, मैं ज़्यादा बिग बॉटल्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती बिकॉज आई थिंक कि लेट्स डू ट्राई द मिनी वंस जो कैरिएबल भी होते हैं इजीली। और मुझे लगता है कि अगर हमें और परचेज करने तो बड़ी बॉटल को ख़त्म होने में टाइम लगता है और छोटे वाले जो परफ्यूम्स होते हैं उसे आप जल्दी रीफिल कर सकते हो और जल्दी और परचेज कर सकते हो। और ये नहीं होता कि अगर हमें कुछ परफ्यूम नहीं पसंद आया है कुछ टाइम बाद तो ये नहीं होता कि हमें अरे ख़त्म भी करना है। सो आई थिंक द मिनी वंस आर प्रिटी नाइस टू यूज़ और मैं तो यही अपने लेती हूँ, मिनी वंस ही लेती हूँ। फुल बॉटल आई हार्डली परचेज और होती है तो इतनी बड़ी होती है, उससे बड़ी नहीं होती है। सो दिस इज़ द साइज आई ऑर्डर। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, आई एम ट्रैवलिंग टू पौड़ी, सो उसका व्लॉग भी आपको ज़रूर मिल जाएगा और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं जगह जगह के। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। बाय।